हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर संकित। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ट्यूटोरियल में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे सेटर इंजेक्शन काम कर रहा होता है, कैसे इंटरनल फ्लो था, कैसे सब कुछ आईओसी कंटेनर इंटरनली कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा था, न्यू इंस्टांस मेथड से ऑब्जेक्ट बना रहा था आईओसी कंटेनर हमारा सब कुछ। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे होता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई चार पांच तरीके हैं, सेटर मेथड इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, लुकअप मेथड इंजेक्शन और क्या भाई अवेयर इंजेक्शन है ना, तो उस तरीके से जो हमारे मेथड्स थे। तो यहाँ पर हम लोग आज क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दूसरा चीज़ उसका जो दूसरा जो है वो दूसरा तरीका, एक तरीका देखा सेटर इंजेक्शन के थ्रू। तो कंस्ट्रक्टर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए, डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करने के लिए टारगेट क्लास में कंस्ट्रक्टर का यूज करेगा। कौन कौन यूज करेगा कंस्ट्रक्टर का? आईओसी कंटेनर, क्योंकि आईओसी कंटेनर यूज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, तो यही कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ऑब्जेक्ट बनेगा और सब कुछ होगा। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो टारगेट क्लास में जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, चाहे आप लिखें जीरो पैराम का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको कंपाइलर इन्वोक करवा दे, तो वो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो जीरो पैराम का कंस्ट्रक्टर होता है और वो सेटर मेथड के टाइम कॉल हो जाता है जब वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनता है तब। लेकिन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में वन पैराम का कंस्ट्रक्टर या जो भी आप पैरामीटर डिफाइन करें, तो यहां पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, चाहे एक या एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो वो देखेंगे कि कैसे, ठीक है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हियर आईओसी कंटेनर, यहाँ आईओसी कंटेनर यूजेज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कह रहा है कि यहाँ पर आईओसी कंटेनर पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर का यूज करता है। किस लिए? टू क्रिएट टारगेट बीन क्लास ऑब्जेक्ट, यार, तो टारगेट बीन क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। और इसी प्रोसेस के दौरान क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट बन गया होता है तो क्या करता है, सब कुछ जब रेडी हो जाता है तो डिपेंडेंट क्लास के बीन ऑब्जेक्ट को वो इंजेक्ट कर देता है टारगेट क्लास में। तो जब डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना होता है टारगेट क्लास में, तो ध्यान से समझिए, क्या डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का पहले से मौजूद होना जरूरी है? तब जैसे ही कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी वैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका? इस टारगेट क्लास का। तो उससे पहले यानी कि रेडी होना चाहिए क्या डिपेंडेंट क्लास का बीन ऑब्जेक्ट, तब तो इंजेक्ट कर पाएगा इसी प्रोसेस में। कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कब होती है? जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। तो ठीक वही है लिखा हुआ कि इन सेटर इंजेक्शन के दौरान पहले किसका ऑब्जेक्ट बनता है? टारगेट क्लास का, ना कि डिपेंडेंट क्लास का। लेकिन बट इन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन फर्स्ट डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड देन नेक्स्ट और तब आगे कौन से क्लास का बनता है? टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, यस और नो? बिल्कुल, आई होप आप समझ रहे होंगे। और उस पैरामीटर में वैल्यू पास कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहां देखिए, मान लीजिए कि ये टारगेट क्लास है। अब यहां पर अगर टारगेट क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है ऐसे, पब्लिक मैसेज जनरेटर, ये टारगेट क्लास है। अब इस टारगेट क्लास को कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में लेट से डेट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब इसको कॉल करने के लिए, ये जो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी जब ये बनेगा, है ना, जब ये बनेगा, ये मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऐसे कॉल होगा ना ये मैसेज जनरेटर का कंस्ट्रक्टर। अब कैसे कॉल होगा वो इंटरनल बात है, हम लोग देख रहे होंगे, बट जनरली हम लोग मानते हैं कि ऐसे ये यहाँ पर चाहिए इसको न्यू डेट, ठीक, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी एक डेट का ऑब्जेक्ट बना होना चाहिए पहले से, डेट डी इक्वल टू न्यू डेट। ये मैं रफ बता रहा हूँ, रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के पास डेट है, ये डेट जो है इसको ये प्लस, इसको बड़ा करते हैं यार पहले, यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, क्या हम ये डी पास कर देंगे? तो ये डी पहले से बना होना चाहिए, यस और नो? ये डी पहले से बना होना चाहिए ना, जब हम बनाएंगे तब ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक। तो उसी तरीके से ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जब कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा किसका,
किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? मैसेज जनरेटर क्लास का। तो पहले किसका बना होना चाहिए? डिपेंडेंट क्लास का, क्योंकि डेट क्या है? डेट क्या है? डिपेंडेंट क्लास है, राइट? तो जब डेट डिपेंडेंट क्लास है तो पहले डिपेंडेंट क्लास का होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर कि जो डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पहले होता है, बनता है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी टैग का यूज करते हैं सेटर इंजेक्शन में। सेटर इंजेक्शन में किसका यूज करते हैं? प्रॉपर्टी टैग का। आईओसी कंटेनर देखता है कि अरे टारगेट क्लास में प्रॉपर्टी टैग लगा हुआ है, अच्छा इसका मतलब मुझे सेटर इंजेक्शन परफॉर्म करवाना है, अच्छा इसका मतलब मुझे सेटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो सेटर मेथड कॉलिंग होती है। तो क्या प्रॉपर्टी टैग लगाने से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होगा? नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में अगर हमको करना है तो प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे उस टारगेट क्लास के कॉन्फ़िगरेशन पर, बिन कॉन्फ़िगरेशन पर, तो सेटर इंजेक्शन का डिपेंड करेगा, सेटर मेथड का कॉल करेगा। तो कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से परफॉर्म करवाने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग टैग का। किसका? कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग टैग का। कहाँ पर? उस टारगेट के अंदर, ठीक है, उस टारगेट बीन कन्फिगर के अंदर। अब जितना बार कंस्ट्रक्टर टैग लिखेंगे उतना नंबर ऑफ पैरामीटर का वो कॉल करेगा, ठीक। अरे एक सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ फिर से मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ हम लोग फिर से समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये है पब्लिक क्लास, नॉट क्लास, कंस्ट्रक्टर में बना रहा हूँ, नॉट क्लास, ठीक है, समझाने के लिए। जनरेटर, इसको क्या चाहिए भाई? डेट का डेट चाहिए, है ना, डेट मतलब डेट का ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो पब्लिक जनरेटर क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये कब कॉल होगा? ये इसको कॉल करने की तो ज़रूरत है, तब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऐसे करके, ठीक ना, ऐसे बीन, और बीन आईडी में देंगे यहाँ पर मैसेज जनरेटर टारगेट क्लास का, और क्लास इक्वल टू क्या दे देंगे? उस क्लास का नाम मैं रफ यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली कोडिंग नहीं करना है, मैं एग्जैक्ट कोड दिखाऊंगा अभी आपको, या समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। और इस बिन में जैसे प्रॉपर्टी लिखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर? प्रॉपर्टी से इसका मतलब क्या कि भाई सेटर मेथड, सेटर इंजेक्शन, है ना। तो हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी। अब जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी लिखे यहाँ पर एक बार हमने कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी लिखा, कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी को क्लोज करते हैं। कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी मतलब कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। तो एक बार लिखा है ना, तो एक बार लिखा है तो अब हमारे हाथ में है कि हम कितना कंस्ट्रक्टर बनाएं। तो मान लीजिए कि मैंने एक बार और कंस्ट्रक्टर बना दिया, पब्लिक मैसेज जनरेटर, और यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग नेम कॉमा, मैंने लिख दिया डेट, ठीक। तो अब कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाना है? कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है? क्या ये टू पैराम कंस्ट्रक्टर है? ये वन पैराम कंस्ट्रक्टर है, ये वन पैराम कंस्ट्रक्टर है। और ये क्या ये टू पैराम कंस्ट्रक्टर है, यस और नो? इसमें दो पैरामीटर हैं। तो जब ये टू पैराम कंस्ट्रक्टर है, तो जब आपको टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का यूज करना है तो आपको एक बार और कंस्ट्रक्टर टैग यूज करना है, कंस्ट्रक्टर डॉस ए आर जी, और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लोज हो जाएगा। अब इसके साथ एट्रीब्यूट वगैरह यूज होंगे वो बताऊँगा, समझ रहे हैं? तो जब आप दो बार यूज करेंगे इसको ऐसे लिख करके, जब दो बार यूज करेंगे तो क्या कॉल होगा? अब जा करके ये वाला कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी, ये टू पैराम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी और ऑब्जेक्ट बनेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, अगर सिर्फ आपने एक बार यूज किया है इस बीन के अंदर, इस बीन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाएगा, और कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो वही लिखा हुआ था यहाँ पर कि भाई वी यूज कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग फॉर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एंड इफ यू प्लेस एन टाइम्स अंडर बीन टैग, अगर आपने एन टाइम्स लिख दिया, जैसे दो बार लिखा, तीन बार लिखा, चार बार लिखा, तो मेरा मर्जी है, मैं कितना भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला बना लूँ, कितना भी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना लूँ, है ना, उस टारगेट क्लास में,
तो जिससे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू जब कॉल करवाएंगे तो कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी लिख करके आपको वैल्यू देना पड़ेगा, राइट। वो आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, उसका और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि ये हमारा क्या है, XSD है, सॉरी यार, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, राइट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। तो ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML है, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास को कॉन्फ़िगर किया है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करने के लिए बता दिया है मैंने, यहाँ टारगेट को बताया है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे ये जो कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग है इसके साथ यूज होगा नेम। अब ये नेम के जगह जो एक कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है वो यूज होता है, इस नेम एट्रीब्यूट के जगह कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर का नाम यूज होता है। और रेफरेंस में क्या यूज होगा, क्या यूज होगा रेफरेंस में, रेफरेंस में यूज होगा डेट बीन, ये जो आपका आईडी है जो इंजेक्ट करवाना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए कोड करके समझते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं फिर से एक जावा का प्रोजेक्ट बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए, वरना मैं कॉपी पेस्ट कर देता, ठीक है। proj3-proj3-, IOC _ constructor injection लीजिए। मैं मॉड्यूल नहीं क्रिएट करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, जावा बिल्ड पाथ, क्लास पाथ में जाऊँगा और यहाँ से जार्स में जाऊँगा, नॉट जार्स यार, ऐड एक्सटर्नल जार्स में जाऊँगा और मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हूँ। यहाँ देखिए 5.3.20 मैं ये यूज कर लूँगा, लिब्स में जाके 5 इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लूँगा जार्स, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग बीन्स, 5 हो गए, ओपन। और एक बार और मुझे चाहिए क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, कॉमन लॉगिंग्स, तो वो भी मेरे पास डाउनलोडेड है, कॉमन लॉगिंग्स फोल्डर में, कॉमन लॉगिंग्स 1.2, कॉमन लॉगिंग्स 1.2.jar, ओपन। ये डिपेंडेंसी जार फाइल्स हमने सारे इंजेक्ट कर दी। चेक करने के लिए क्लिक कीजिए यहाँ, और यहाँ पर क्लिक करके रेफरेंस पर, यहाँ देखिए सब कुछ लाइंड अप है, राइट। यहाँ मैं SRC फोल्डर में पैकेज बनाता हूँ, com.coder-sankit.beans, यहाँ पर मैं बीन रखूँगा, बीन क्लास पैकेज com.coder-sankit.cfgs configuration, यहाँ राइट क्लिक करूँगा, न्यू पैकेज com.coder-sankit.configuration बीन्स हो गया, ऐप हो गया जो हमारा टेस्टिंग होगा। इस बीन में सबसे पहले मुझे जो बीन चाहिए, जो टारगेट क्लास चाहिए वो बनाता हूँ, मैसेज जनरेटर का ही मैं यूज करूँगा। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मेरा, पिछला सीरीज, मतलब ये सब जो वीडियोज हैं इसी सीरीज का, तो उसमें समझ में आया होगा कि मैं मैसेज जनरेटर में बेसिकली एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ अपने सिस्टम के डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई गुड मॉर्निंग हो रहा है या गुड इवनिंग हो रहा है, राइट। तो यहाँ मुझे जब डेट एंड टाइम यूज करना है तो मुझे क्या चाहिए, टारगेट क्लास चाहिए, सॉरी डिपेंडेंट क्लास चाहिए, और डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिपेंडेंट क्लास हमारा क्या है भाई, डिपेंडेंट क्लास है हमारा डेट, राइट। तो उसको यूज करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे पहले उसके प्रॉपर्टी ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट्स से मैं बना देता हूँ प्राइवेट डेट डेट। अब इसको एक्सेस तो सिर्फ यही क्लास कर सकता है। अब ये जो डेट है इसको इम्पोर्ट कर लीजिए java.util, ठीक, आ जाइए नीचे में, और अब यहाँ पर मैं बना दूँगा कंस्ट्रक्टर, या उससे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक या बिजनेस मेथड। तो मेरा जो बिजनेस मेथड था वो पहले से बना हुआ है सेटर इंजेक्शन में, राइट, हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो भी मैसेज आएगा वो, ठीक है, लीजिए। अब यहाँ पर ये मैसेज रिटर्न कर देगा अपने डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग। अब मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाना है ना, तो मैं बनाऊँगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में मैं देखिए पब्लिक भाई इधर आ जा, क्लिक हो जा, ये सब नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए यार, जनरेटर, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डेट, क्योंकि जैसे ही ये डेट कॉल होगा, सॉरी जैसे ही ये मैसेज जनरेटर कॉल होगा, तो कॉल करने के लिए इसको डेट का ऑब्जेक्ट चाहिए,
वहीं पर इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जब इंजेक्ट करेंगे दिस डॉट डेट इक्वल टू डेट, मैं कहूँगा जो भी डेट की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, जो भी डेट का वैल्यू है, वो ये डेट का जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ भेज दो। और जब वो यहाँ भेज लेगा तो हम इसको फर्दर यूज कर लेंगे नीचे डेट, ये देखिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया डिपेंडेंट क्लास का और डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई, राइट। तो ये हमने कॉल कर लिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक मिनट साउट, और मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसमें सिस्टम, मैं इसमें लिखता हूँ कि भाई एक काम करते हैं यार यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है ना, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इससे ये पता चलेगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कब कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी कॉल होगा, ठीक है। तो ये हमारा बीन क्लास रेडी हो गया। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी कर लेते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग कहाँ रेडी करेंगे, ये सब हम लोग हटाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मुझे रेडी करना है इस src में, देखिए ये पैकेज मैंने बनाया है कॉन्फ़िगरेशन पैकेज cfgs others, और xml फाइल चूज करूँगा। यहाँ मैं देता हूँ, इस बार नाम बदल देते हैं थोड़ा सा, मैं रखता हूँ बीन फैक्ट्री cfg, बीन फैक्ट्री cfg.xml, थोड़ा कभी कभी बदल देना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली वर्सन बताता है, पहला कौन सा वर्सन आप यूज कर रहे हैं XML का, और क्या इनकोडिंग, क्या टेक्स्ट और क्या अल्फ़ाबेट्स अलाउड होंगे, वो इनकोडर है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ मुझे क्या यूज करना है, क्या मुझे यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा XSD रूल्स, बिल्कुल इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इम्पोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन खोलना पड़ेगा। तो मैं हूँ अभी उस फोल्डर में जहाँ पर हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, राइट। अभी इस स्प्रिंग फोल्डर के अंदर जाइए, जो भी आपका वर्सन डाउनलोड है, यहाँ देखिए ये जो लिब्स और ये सब फोल्डर, इसके पास आपको मिलेगा एक डॉक्स नाम का फोल्डर, इस डॉक्स को खोलेंगे और रेफरेंस में जाएंगे और HTML में जाएंगे और index.html करेंगे, या सेम काम आप इंटरनेट पर भी कर सकते हैं। मैं कोर में जाऊंगा, यही डॉक्यूमेंटेशन आप इंटरनेट पर खोलिए, स्प्रिंग डॉक्स लिखिए, कोर में जाइए सर्च कर लीजिए, इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद कर लेंगे। मैं इंटरनेट से करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है पिछले वीडियो में, क्योंकि आप एक जावा के डेवलपर हैं और इतना बड़ा फ्रेमवर्क है सीख रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको सीखिए और खुद से कीजिए। देखिए यहीं पे मेरे को मिल जाएगा इसका रेप्लिका, किसका, ये XSD रूल्स का। बाकी मैं बीन्स तो खुद से इंपोर्ट करना चाहता हूँ और यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसके रेप्लिका को कॉपी कर ले रहा हूँ और बीन में आ जाऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये लग गया हमारा क्या भाई, ये लग गया हमारा बीन का XSD। अब बीन्स टैग क्लोज कर देता हूँ और यहाँ आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैं करूँगा सबसे पहले टारगेट का, लेट से टारगेट क्लास CFG कॉन्फ़िगरेशन। तो टारगेट क्लास का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे बीन टैग का यूज करना है, जी हाँ। क्लास कौन से क्लास को, तो अच्छा एक ही में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस भी यहाँ पर इक्वल टू के बाद आप दे सकते हैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ com.coderxankit.beans.messagegenerator, ये लीजिए, इसको दे दे, बंद कर देते हैं बीन को, और यहाँ पे दे देते हैं ID, अरे नॉट हियर यार, इसका अट्रीब्यूट दे देंगे ना ID, क्योंकि यही ID से तो वो आइडेंटिफाई करेगा IOC कंटेनर, मैसेज जनरेटर, ठीक है, ये हमने लगा दिया ID। अब यहाँ पर इस बीन के अंदर क्या मुझे प्रॉपर्टी टैग यूज करना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी टैग यूज करूँगा तो सेटर इंजेक्शन होगा और सेटर मेथड की कॉलिंग होगी, बट ना तो हमने सेटर मेथड बना रखा है और ना ही हम सेटर मेथड को इंजेक्ट करवा सेटर इंजेक्शन से काम करने वाले हैं। मुझे काम करना है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से, तो मैं टैग यूज करूँगा constructor-arg आर्ग्यूमेंट, बस इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पर मैं अट्रीब्यूट यूज करूँगा नेम। अब ये जो नेम अट्रीब्यूट है किससे मैच होना चाहिए, इसका वैल्यू यहाँ जो पैरामीटर का नेम है उससे मैच होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, राइट। इस कंस्ट्रक्टर में ये नाम है किसका, इस डेट का रेफरेंस नाम है यहाँ पर, तो ये पैरामीटर का जो रेफरेंस नाम है उससे मैच होना चाहिए, ओके कन्फर्म, यहाँ मैच होना चाहिए। तो ये डेट है,
तो मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। अब रेफरेंस चाहिए कि भाई कौन से बीन को डालना है, रेफरेंस बताना पड़ेगा ना रेफरेंस एट्रीब्यूट से। तो हाँ, तो रेफरेंस तो अभी हमारे पास है नहीं, है ना। तो मतलब रेफरेंस मतलब क्या यार, डिपेंडेंट का बीन दो, डिपेंडेंट का बीन। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंट का भी बना लेते हैं। डिपेंडेंट बीन कन्फिगरेशन CFG। अब डिपेंडेंट बीन को हम बनाएंगे इस तरीके से और डिपेंडेंट बीन का यूज करेंगे। ओके, तो डिपेंडेंट बीन को हम लोग भी इसी तरीके से क्या, बीन क्लास इक्वल्स मैं कर लूँगा जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, राइट। और यहाँ पर मैं यूज कर लूँगा आईडी इक्वल्स डेट बीन। अब ये तैयार हो गया, यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं लगाना है, है ना। और ये यूज हो गया, तो ये डेट बीन आईडी जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और रेफरेंस में पेस्ट कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अरे कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो उसका जो रेफरेंस देना है, उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस देना है, यहाँ जो मैंने आपको दिखाया था भाई कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो तो मैंने आपको दिखाया ही। तो जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी तो ये जो डेट बीन है, यही डेट बीन उसके पास रहेगा, राइट। तो ये डेट बीन हमने रेफरेंस में डाल दिया। अब आ जाइए, एक कन्फिग्रेशन भी हमारा हो गया डन। अब हम लोग आते हैं टेस्टिंग ऐप पर, तो राइट क्लिक करके मैं इस पैकेज में जो ऐप है क्लास, यहाँ लिख देता हूँ माई ऐप या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन टेस्ट लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन टेस्ट। ये लिखा हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन टेस्ट। अब ये है हमारा ऐप जो रन होगा, मेन मेथड बनाते हैं, वेरी गुड। अब ध्यान से समझिए, यहाँ बनाया मेन मेथड, मुझे IOC कंटेनर चाहिए बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, तब ना बीन फैक्ट्री एक्टिवेट होगा, राइट। बीन फैक्ट्री, तो एक काम करता हूँ मैं बीन फैक्ट्री को बुला लेता हूँ। अब बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस है, राइट, ऑलरेडी हमने देख रखा है XML बीन फैक्ट्री। अब XML बीन फैक्ट्री आपसे मांगेगा रिसोर्स, मतलब उसका लोकेशन कन्फिग्रेशन फाइल का, तो वो कन्फिग्रेशन फाइल आप रिसोर्स के फॉर्म में दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई रिसोर्स भैया RES इक्वल टू न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स में आ जाइए। अब फाइल सिस्टम रिसोर्स, अब यहाँ पर मुझे क्या लोकेशन डालना है, किसका, कन्फिग्रेशन फाइल का, राइट। तो जब कन्फिग्रेशन फाइल का लोकेशन डालना है तो मैं यहाँ पर उसका रिलेटिव लोकेशन डाल दूँगा और यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दूँगा और वो है SRC फोल्डर के अंदर, कॉम फोल्डर के अंदर लोकेशन डालना है, पैकेज का नाम नहीं, तो डॉट नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। SRC के अंदर कोडर एक्स अंकित के अंदर CFGS के अंदर इसमें है एक XML फाइल जिसका नाम है बीन फैक्ट्री CFG.XML, राइट, है कि नहीं है, यस और नो, है। तो अब देखिए आराम से आते हैं और इस रिसोर्स को हम इसको दे देंगे, इस बिन फैक्ट्री को। क्या अभी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट कब बनता है ये हटाइए, ये तो बिन फैक्ट्री रिसोर्स हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम गेट बीन मेथड कॉल करेंगे, बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन। अब जैसे ही गेट बीन मेथड कॉल करेंगे और बोलेंगे कि भाई मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट लेके आओ, तो ये लाइन क्या रिटर्न करेगा, क्या मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, यस और नो, यस रिटर्न करेगा, क्योंकि यही लाइन से तो बनता है आपका ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन से कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट बना होगा तो मैसेज जनरेटर का जो ये वाला लाइन है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्या चलेगा, रन करेगा, बिल्कुल रन करेगा। और अगर मेमोरी में लोड होगा तो स्टैटिक ब्लॉक भी बना देते हैं, ठीक है, साउट क्लास लोडेड, यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक ब्लॉक, ऐसे पता चल जाएगा कि स्टैटिक ब्लॉक से आ रहा है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को क्या रन करें, यस बिल्कुल, लीजिए मैंने किया रन क्लास लोडेड, स्टैटिक ब्लॉक क्लास की लोडिंग हुई, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो ऑब्जेक्ट बन गया है। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन गया है तो ये रिटर्न कर रहा होगा इंस्टांस गेट बीन, कैसा, ऑब्जेक्ट टाइप में। तो जब ऑब्जेक्ट टाइप में कर रहा है तो इसको हम अपने टाइप में टाइप कास्ट कर लेते हैं, मैसेज जनरेटर, राइट। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
मैसेज जनरेटर MSG जेन इक्वल टू, तो जो भी ऑब्जेक्ट है इस मैसेज जेन में आ जाएगा, यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ आ जाइए और लिखिए message gen dot, क्या मैं बिजनेस मेथड कॉल कर पाऊँगा? बिल्कुल कॉल कर पाऊँगा। यहाँ मैं पास कर दे रहा हूँ अंकित, अब इसके रिलेवेंट में ये कॉल हो जाएगा और हमको जो भी रिटर्न करेगा, जनरेट मैसेज क्या रिटर्न कर रहा है? अ स्ट्रिंग, राइट। यहाँ मैं क्या एक स्ट्रिंग में रख सकता हूँ मैसेज, ठीक है, साउट कर दूँ मैसेज, जो मैसेज है वो साउट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लीजिए, क्लास लोडेड, क्लास की लोडिंग हो गई, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया जो रिटर्न किया गेट बीन, और जब टाइप कास्ट किया तो हम यूज कर सकते हैं उसके बिजनेस मेथड्स को, हमने बिजनेस मेथड्स यूज कर लिया और सब कुछ काम कर रहा है। तो इस बार ध्यान से देखिए हमने क्या यूज किया है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बस यही होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, राइट। अब बात यह है कि आखिर ऑब्जेक्ट ये बनाएगा कैसे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आखिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगा, है ना, क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। तो आइए अब एक और देखते हैं, तो इस लाइन को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, क्या फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड कॉल होता है तब ऑब्जेक्ट बनना शुरू होता है? बिल्कुल वही होता है, उससे पहले तो होता नहीं है, राइट। कहने का ये मतलब हुआ, अगर यहाँ देखिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन टेस्ट में हमारा जो टेस्टिंग का है, अगर यहाँ पर क्या है हमारा बीन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, राइट, तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, तो अगर यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या इस कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होनी चाहिए? तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए, बट ऐसा होगा क्या? देखिए जरा, रन कीजिए प्रोजेक्ट और कंसोल खोलिए, नीचे आइए, क्या क्लास की लोडिंग हो रही है? रन कीजिए, कुछ आ रहा है इसमें? नहीं, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक भी नहीं आ रहा है, क्लास की लोडिंग भी नहीं हो रही, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये इसको ऑन करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, तो ये लाइन पर ही सब कुछ बनना शुरू होगा, क्लास की लोडिंग शुरू हुई, देखिए, राइट। अब इसके बाद हम जो भी अपना काम है वो कर सकते हैं, राइट, यस और नो। तो इस लाइन को अच्छे से समझते हैं हम लोग इसमें, तो ये देखिए, ये जो फैक्ट्री डॉट गेट बिन है, क्योंकि ये लेफ्ट वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको पिछली वीडियोस में, कि यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर ले रहे हैं, बस अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का इंस्टांस रिटर्न करता है ना। नेक्स्ट, ये लाइन क्या करता है, उसी कंटेनर को कहता है कि भाई उठाओ मैसेज जनरेटर नाम का बिन आईडी और इंटरनल कैसे में चेक करो। ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ समझाता हूँ अब आपको। ये है हमारा IOC कंटेनर और ये है इसका इंटरनल कैसे। अब इंटरनल कैसे में ऑब्जेक्ट रहेगा जब बना हुआ रहेगा, तो की वैल्यू, जरा चेक करो कि क्या यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भाई इंटरनल कैसे, जो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो इस इंटरनल कैसे है भाई, ध्यान से समझिए। तो IOC कंटेनर क्या कहेगा भाई, कि ये जो बीन है मैसेज जनरेटर या फैक्ट्री डॉट गेट बीन, सिर्फ इतना दूर उठाओ और कॉपी कर लो भाई, कॉपी, और यहाँ आ जाइए, पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको हटाइए, थोड़ा समझते हैं। तो ये वाली लाइन जो है, ये मैसेज जनरेटर जो आईडी है, क्या ये आईडी यहाँ पर मौजूद है, चेक करो मैसेज जनरेटर, ठीक है,
तो यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी मौजूद रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर कब मौजूद होगा, यहाँ पर कब अवेलेबल होगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट बना हुआ थोड़ी है हमारा, नहीं, तो इसको बोलेगा कि नहीं भाई नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या करेगा, आईओसी कंटेनर के पास एक चीज़ और होता है यार, क्या क्या होता है एक चीज़ और इसके पास, मेटा डेटा। किसका? XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मेटा डेटा होता है कि नहीं होता आईओसी कंटेनर के पास? मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है। तो इस मेटा डेटा में जाके देखिए, इस मेटा डेटा में जाके देखो भाई कि क्या कोई बीन कन्फिगर किया गया है, क्या कोई बीन कन्फिगर किया गया है इस मैसेज जनरेटर आईडी से। तो हाँ, इस मैसेज जनरेटर आईडी से एक बीन कन्फिगर किया हुआ है, और वो तो हमने कन्फिगर करके रखा ही है, राइट ना। तो इसको मिलेगा मेटा डेटा जो जनरेट किया जाएगा, उससे आंसर मिलेगा कि हाँ भाई है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैसेज जनरेटर डॉट जावा। अब वो कहीं भी प्रेजेंट है, जहाँ भी प्रेजेंट है उसके साथ मैसेज जनरेटर क्लास, यही क्लास मिलेगा उसको, ठीक है। अब जब इसको ये मिलेगा तो ये देखेगा यहाँ है ना भाई XML, ये देखेगा कि बिन आईडी में ये आईडी भी है और इस आईडी से एक क्लास है जो मैसेज जनरेटर है, ठीक। उसके अंदर लगा हुआ है कंस्ट्रक्टर टैग, पहले ये देखेगा, अब देखेगा कि अच्छा कंस्ट्रक्टर टैग लगा हुआ है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर का इंजेक्शन करवाना है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाना है, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करवानी है। अब उसमें ये चेक करेगा क्या कि नेम डेट है कंस्ट्रक्टर का, तो देखेगा कि पैरामीटर का कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, तो हाँ इस पैरामीटर से एक कंस्ट्रक्टर है। अब आगे जाएगा आईओसी कंटेनर एक स्टेप और, कहेगा किसको रेफरेंस करना है, तो रेफरेंस देना है डेट बीन को। तो जब डेट बीन को देना है तो अगेन चेक करेगा कि क्या यहाँ पर कोई डेट बीन नाम का है, क्या यहाँ पर कोई डेट बीन नाम का है ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ पर, सॉरी यार, यहाँ पर कोई डेट बीन नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद है इंटरनल कैसे में, नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट बना ही नहीं तो मौजूद कैसे रहेगा, अवेलेबल कैसे रहेगा, तो नहीं है। तो फिर से जाओ यार इसके पास, इस मेटा डेटा के पास, और ज़रा चेक करो मेरे भाई कि क्या कोई बीन कन्फिगर किया गया है डेट बीन आईडी पर। बिल्कुल कन्फिगर किया गया है यार, बिल्कुल कन्फिगर किया गया है। उस क्लास का क्या नाम है? तो उस क्लास का नाम है, उस क्लास का नाम है java.util.date, ठीक। तो जब इस क्लास का नाम है java.util.date, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये, वहाँ नहीं मिला तब आया यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक काम करो मेरे भाई आईओसी कंटेनर, ये ऑब्जेक्ट बना दो यार। अब आईओसी कंटेनर इतना करने के बाद इसको जब नहीं मिलेगा, और जब इसको XML में कॉन्फ़िगरेशन इसका अच्छा से मिल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन मिलना ज़रूरी है ना भाई, कॉन्फ़िगरेशन जब मिल जाएगा तो ये क्या कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ जिसका नाम सेट कर दो तुम डेट बीन, डेट बीन नाम सेट कर दो। लो ये बन गया ऑब्जेक्ट डेट बीन आईडी से, किसका किसका ऑब्जेक्ट बना, डिपेंडेंट क्लास का। अब एक स्टेप और आगे आएगा, एक स्टेप और आएगा, इसका तो बन गया। अब देखेगा ये, अब यहाँ पे डेट बीन में ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर भाई ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक, राइट, ऑब्जेक्ट बन गया और डेट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसके पास है अब, ठीक, इंटरनल कैसे में। आइए आराम से, अब आइए आगे और देखिए कि एक्सेस करेगा ये जो आईओसी कंटेनर है, ये आपका क्या है भाई, आईओसी कंटेनर, ये आईओसी कंटेनर एक्सेस करेगा टारगेट क्लास में, टारगेट क्लास। अब ये जो टारगेट क्लास में पब्लिक मैसेज जनरेटर जो है, यहाँ पर क्या है, डेट डेट, ठीक है। तो जब डेट डेट है, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको कॉल करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर का, कौन से क्लास का, कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर, इस मैसेज जनरेटर का। तो याद कीजिए कि इस क्लास का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मांगेगा आईओसी कंटेनर। तो कंस्ट्रक्टर मांगेगा, एक मेथड होता है गेट,
डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, क्या आपको याद आ रहा है अब? गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, मैंने पिछले वीडियोज में ये सब बता रखा है कैसे गेट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्लास की लोडिंग होगी, कैसे? क्लास सी टू इक्वल टू क्लास डॉट सी टू, इसलिए क्योंकि सी वन में उस जावा डॉट यूटिल डॉट का रहेगा, है ना, डेट का। फॉर नेम यहाँ पे हो गया भाई मैसेज जनरेटर। अब भाई मैं ये रफ कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप इसको समझ मत जाना, और ठीक है यहाँ पर कॉम डॉट कोडर एक संकेत डॉट ऐसे करके जो भी है इसका है, तो मैसेज जनरेटर हो गया उस पैकेज का, है ना, ऐसे लिख देते हैं, लिख ही देता हूँ यार छोड़ो, कोडर एक संकेत डॉट बीन्स डॉट, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ये जो क्लास डॉट फॉरनेम है इससे ये मिला, ठीक है, सी टू में आ गया। अब सी टू डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, क्या ये चलेगा? अब ये जब चलेगा तो ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न करके देगा और कंस्ट्रक्टर का एरे रिटर्न करके देगा, तो कंस्ट्रक्टर का एरे इसको मिल गया, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये लीजिए हमको मिला कंस्ट्रक्टर का एरे, जितने भी कंस्ट्रक्टर थे। तो क्या इस क्लास के पास, क्या इस क्लास के पास कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टर था? एक ही कंस्ट्रक्टर है ना, अब पूछेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ गया, अब पूछेंगे ना कि भाई एक ही कंस्ट्रक्टर कैसे है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ गया? अरे कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर वहाँ पर नहीं डाले हैं, मतलब आपने कुछ कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डाला है, तो इम्प्लिसिटली कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर जीरो पैराम का डाल देगा। लेकिन जैसे ही आपने एक कंस्ट्रक्टर डाला, और वो भी वन पैराम का उसमें डाला है, तो जैसे ही आपने एक कंस्ट्रक्टर डाला, अब कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट नहीं करेगा अपने तरफ से, ठीक। तो आपने एक डाला तो वो खत्म, वो वैनिश, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो नहीं रहेगा, आपने जो डाला है वही कंस्ट्रक्टर हो गया। तो हमने तो एक कंस्ट्रक्टर डाला था, ये मान लेते हैं कंस्ट्रक्टर है सर्कुलर वाला, ठीक है, और इसका इंडेक्स है जीरो। अब ये जीरो इंडेक्स पर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वन पैराम कंस्ट्रक्टर, वन पैराम कंस्ट्रक्टर, क्या हमने वन पैरामीटर यूज किया है कंस्ट्रक्टर का, यस और नो? क्या हमने वन पैरामीटर यूज किया है मैसेज जनरेटर में, है ना, डेट डेट वन पैराम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो क्या इसमें कंस्ट्रक्टर इसका जो जीरो है, जीरो इंडेक्स है, इस पर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जीरो इंडेक्स का यूज करके, तो न्यू इंस्टांस मेथड क्रिएट होगा, चलेगा। अब न्यू इंस्टांस मेथड में यहाँ पर क्या पास हो जाएगा, डेट बीन, क्या ये डेट बीन पास हो जाएगा, यस और नो? क्या ये डेट बीन पास हो जाएगा, क्यों? अब पूछेंगे क्यों ये डेट बीन पास होगा भाई, क्यों ये डेट बीन पास होगा? अरे भाई क्योंकि ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर का जो अरे है, ये कंस्ट्रक्टर का जो अरे है, इसमें क्या मिला है, इस कंस्ट्रक्टर का जो अरे है ये, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर का आपका अरे है, इसमें एक जीरो जीरो इंडेक्स पर है, तो जीरो इंडेक्स का कंस्ट्रक्टर से न्यू इंस्टेंस कर लिए डेट बीन, डेट बीन इसलिए क्योंकि क्या हम यहाँ पर डेट का एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, यस और नो? यस। तो जब डेट का रेफरेंस डाल रहे हैं तो डेट बीन, क्या डेट बीन हमारे कैसे में मौजूद है, अब ऑब्जेक्ट बन गया है पहले, राइट। तो जब डेट बीन मौजूद है तो क्या हम डेट बीन डाल सकते हैं, राइट, बिल्कुल डाल सकते हैं। और जब इसको डालेंगे इस तरीके से न्यू डेट बीन, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अब न्यू इंस्टांस रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे, सिंपल, वही लिखा हुआ है आगे इस स्लाइड्स में, ठीक है। इतना समझाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, सब कुछ बन जाएगा इस तरीके से, और आपका फिर इंजेक्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। फैक्ट्री डॉट गेट बिन, आईओसी कंटेनर ने मैसेज जनरेटर को उठाया, टेक्स्ट द बिन आईडी और सर्च किया, एंड सर्चेज इन इंटरनल कैसे, दिखा दिया मैंने, तो वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट रहे नहीं, तो नहीं मिला। फिर ये इन मेमोरी मेटा डेटा में जाएगा, देखेगा क्या कोई मैसेज जनरेटर का बिन है कन्फिगर किया गया है, है, कौन से क्लास को डिनोट कर रहा है, तो वो इस मैसेज जनरेटर के क्लास को डिनोट कर रहा है। फिर अगेन आगे चेक करेगा कि बट इट नोटिसेस देयर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज इनेबल्ड, वहाँ देखेगा कि अरे कंस्ट्रक्टर टैग लगा हुआ है, अच्छा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इनेबल्ड है, एक काम करो यार, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इनेबल्ड है, जरा उसके एट्रीब्यूट्स देखो, एट्रीब्यूट्स देखेगा, नेम, जो भी पैरामीटर का नेम है वो नेम,
रेफरेंस देखेगा डेटबिन। अब जब डेटबिन देखेगा वैसे ही ये पहुंच जाएगा डेटबिन के पास, इंटरनल कैसे में वापस पहुंचेगा और इंटरनल कैसे में सर्च करेगा डेटबिन, अगेन मैंने आपको बता ही दिया। तो डेटबिन सर्च करेगा तो अगेन इसको डेटबिन नहीं मिलेगा क्योंकि डेटबिन का ऑब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है। तो ये क्या करेगा कि जाएगा XML मेटा डेटा के पास, गोज इन इन मेमोरी मेटा डेटा ऑफ XML और वहाँ सर्च करेगा कि क्या इस डेट बीन से कोई क्लास कन्फिगर है, तो हाँ है, java.util.date है। तो जब java.util.date है तो एक काम करो भाई, क्या चेक करो यहाँ भी कोई डिपेंडेंसी इंजेक्टेड है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप हमेशा ये समझ रहे होंगे कि डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही बार यूज होगा, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो क्लास है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन है, फाइल है, यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूँ तो यहाँ पर भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो एक क्लास किसी और पर डिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंडेंट है, किसी और पर, किसी और पर, किसी और पर भी हो सकता है। वो हायरार्की चलती जाती है, वो आपके ऊपर है कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और कैसे कौन क्लास किस पर डिपेंड है। तो एक क्लास चाहे जितने मन है उतने पर डिपेंड हो सकता है उसके हायरार्की में, राइट। तो यहाँ पर हमने ना तो कोई प्रॉपर्टी टैग यूज किया ना तो कोई कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब ये डिपेंडेंसी इसकी कहीं पर नहीं है। तो जब नहीं है आगे क्या करेगा, तो नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट बना दो java.util.date क्लास का और उसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दो डेटबिन। नाम दे दिया भाई डेटबिन। अब जब नाम दे दिया डेटबिन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, 6 स्टेप हो गया कि IOC कंटेनर क्या करेगा, java.util को लोड किया और ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया डेटबिन ID, ठीक है। ये देखिए क्लास C1 यहाँ पे इंटरनली ऐसे यूज किया class.forName का, मैं इसका डीप में बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर इंटरनली ये लाइन समझनी है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, राइट। और न्यू इंस्टांस से रिटर्न कर देगा डेट का ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग टाइप कास्ट कर ले रहे हैं, राइट। आगे बढ़िए, अब क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, टारगेट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, वहाँ देखेगा 1 param कंस्ट्रक्टर है। अब वहाँ पर 1 param कंस्ट्रक्टर है तो ये इंटरनली ऐसा कुछ कोड कर रहा होगा IOC कंटेनर। अब ये मैंने अभी आपको अभी बताया कि क्लास को लोड करेगा मैसेज जनरेटर को, इससे कंस्ट्रक्टर्स निकालेगा, जो भी कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर्स लिख दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर्स, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर निकलेगा। अब कंस्ट्रक्टर निकलेगा तो 0 index पर न्यू इंस्टांस, एक ही कंस्ट्रक्टर है ही उसके पास, तो 0 index पर न्यू इंस्टांस चला देंगे। अब न्यू इंस्टांस चलेगा तो वो रिटर्न कर देगा डेटबिन, अब डेटबिन में बोल रहा हूँ मैसेज जनरेटर, और उसके आर्गुमेंट में मैं पास कर दूंगा, तो वही तो लिखा हुआ है एज द आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टर। आराम से पॉज करके पढ़िए और देखिए और समझिए। अब क्या करेगा, इंटरनल कैसे में इसको भी रख देगा, है ना, उसको तो रख ही दिया था हमारा ऑब्जेक्ट को, अब इंटरनल कैसे में उसको रखेगा और रिटर्न कर देगा, हो गया काम, बन गया ऑब्जेक्ट, यही तो काम है हमारा, है ना। क्या समझ में आई चीज़ें, क्या आपको चीज़ें समझ में आई, आई होप अब आ गई होंगी आपको चीज़ें समझ में, राइट। ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं 5 minutes, ये एडिशनल चीज़ें हैं, आप देखिए और अच्छे समझ में आएगा। नोट, एक रेफरेंस नाम का टैग है और रेफरेंस नाम का अट्रीब्यूट है, तो रेफरेंस टैग बाद में बताऊंगा, अट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं अभी, राइट। एक वैल्यू नाम का टैग है, एक वैल्यू नाम का अट्रीब्यूट है, हमने वैल्यू टैग को अभी तक यूज नहीं किया है, हमने वैल्यू अट्रीब्यूट को भी यूज नहीं किया है, हम वैल्यू अट्रीब्यूट को अभी यूज करने वाले हैं। और वैल्यू अट्रीब्यूट का यूज करके किसी क्लास के टारगेट क्लास के प्रॉपर्टीज़ में हम उसका वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं, टारगेट क्लास के प्रॉपर्टी में हम उसका वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं, किसका यूज करके, वैल्यू टैग का यूज करके। कैसे, तो सेटर मेथड बनाना पड़ेगा और वहां पर इंजेक्ट करना पड़ेगा, अभी देखते हैं कैसे। देखिए ये जो जावा क्लास है, थोड़ा नीचे आते हैं, जावा का जो util.date क्लास है, java.util.date, तो ये जो डेट क्लास है मेरे भाई, इसके पास इंटरनली जैसे ईयर नाम का या मंथ नाम का और डेट नाम का ऐसा वेरिएबल होता है, डेट, ओके, ईयर, मंथ और डे नाम का भी आई थिंक होता ही है यार, और हाँ डेट नाम का, ठीक है, ईयर, मंथ, डेट और बला बला करके जो है ये, इसका रिटर, इसका टाइप जो होता है वो इंट होता है, ठीक, मंथ इसका टाइप भी इंट होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी का डेटा सेट करने के लिए
आप इस इंटरनली होता है, अब कैसे अवेलेबल होता है उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक, इनडायरेक्टली इसके पास समझिए डेट के पास ऐसा अवेलेबल है। इसको क्या हम सेटर मेथड का यूज कर सकते हैं इस ईयर में? अरे सिंपल सी बात है, प्राइवेट ऐसा रहेगा, लेट से इंट ईयर, तो क्या इसमें हम पब्लिक वॉइड सेट ईयर और यहाँ लिख सकते हैं इंट ईयर, ठीक है, और दिस डॉट ईयर, दिस डॉट ईयर इक्वल्स ईयर, क्या हम ऐसे सेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेटर इंजेक्शन से सेट हो जाएंगे, समझ गए? अब कैसे सेट होंगे? अरे उसको कॉल कर देंगे ना भाई, सेट ईयर, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए और ऑब्जेक्ट में मान लीजिए हमने सेट कर दिया 1900 या 1990, ठीक। अब एक चीज और समझिए, ये जो ईयर है, ठीक है, जितना भी आप वैल्यू देंगे उसमें 1900 ऑलरेडी जोड़ देगा। तो जैसे आपने दिया ईयर में वैल्यू 90, तो ये जोड़ देगा 1900, तो हो जाएगा आपका वैल्यू 1990। तो 1990 दिखाना है तो आपको सिर्फ लिखना है 90, कितना प्लस करता है, प्लस 1900, ठीक, समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, राइट। अब दूसरा जो मंथ प्रॉपर्टी है, इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा होता है जीरो से, जीरो का मतलब होता है जनवरी और 11 का मतलब हो गया दिसंबर, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो जीरो का मतलब जनवरी, 11 का मतलब दिसंबर, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं, तो क्या हम इसका वैल्यू सेट कर सकते हैं? बिल्कुल सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसे? ये देखिए कैसे, यहाँ आ गए। अभी यहाँ पर अगर हम रन करवाएं तो आप देखिए, ये गुड इवनिंग अंकित अभी आ रहा है, और एक काम करता हूँ मैं मैसेज जनरेटर में जाता हूँ, मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, जो भी डेट है वो प्रिंट होके आ जाएगा, बिल्कुल प्रिंट होके आ जाएगा, रन कीजिए। देखिए तो संडे ये आ रहा है, मई 29, और अभी का डेट आ रहा है प्रिंट होके, ठीक। अब समझिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से समझिए, मैं इस डेट में आता हूँ और यहाँ पर यूज करता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू ईयर, ठीक है, इस ईयर का वैल्यू सेट करना है, 1990 रखना है, अभी हमारा 2022 है, राइट, अभी हमारा 2022 है ना, कंसोल में देखिए ना, 2022 है ना, राइट, तो अभी हमारा सेट करना है 1990, तो प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे। नाम कैसे? तो जो भी एक्स वाई जेड ये होता है भाई, मान लीजिए कि सेटर इंजेक्शन सेट एक्स वाई जे है, ठीक है, कोई भी सेटर मेथड है यहाँ पर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, कोई भी है एक्स वाई जेड, तो उसका जो सिंटैक्स होगा प्रॉपर्टी का सिंपल एक्स वाई जे होगा, ठीक, जो टाइप का होगा। तो हम यहाँ पर इसीलिए उस प्रॉपर्टी का नाम दे दिए ईयर बेसिकली, और यहाँ पर उसका वैल्यू ऐसे लिखेंगे, एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इक्वल टू यूज करके डबल कोटेशन में लिख देंगे 90 इसलिए लिखेंगे कि 1900 तो वो खुद ऐड कर देगा। सेव कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में रन करते हैं, क्या हमने 1990 चेंज कर दिया? यस और नो, चेंज हो गया, बिल्कुल अच्छे से समझ गए, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी है जो हम देख सकते हैं, तो वैल्यू टैग का यूज करके, सॉरी वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करके हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी का अपडेट कर सकते हैं, और ये भी सेटर मेथड के थ्रू हो रहा है, इंटरनली डेट क्लास के पास सेटर मेथड है, राइट, यस और नो, है सेटर मेथड, सेट ईयर, सेट एक्स, सेट वाई, ऐसा करके, ठीक। नेम इक्वल टू मंथ प्रॉपर्टी वैल्यू, जीरो मतलब जनवरी, वन मतलब फेब्रुवरी, टू मतलब क्या हो गया यार, मार्च, ठीक है, तो ऐसे करके चल रहा होगा, तो मैं थ्री लिख दे रहा हूँ, तो अप्रैल आना चाहिए, राइट, क्योंकि जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो जरा चेंज करता हूँ, यहाँ देखिए अभी मई है ना, सेव कर लेता हूँ, क्या यहाँ पर अप्रैल आ गया? समझ गए किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा वैल्यू जो नॉन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या ये वैल्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है? नहीं, ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू, बेसिक वैल्यू उस क्लास के पास है जो क्लास हम यहाँ पर कन्फिगर किए हैं, बीन क्लास, ठीक,
है तो चेंज हो गया। और साथ में सेटर मेथड होना भी जरूरी है सेट करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैग सेटर मेथड को कॉल करता है, और सेटर मेथड नहीं रहेगा इस नाम के प्रॉपर्टी का तो कॉल नहीं होगा और एरर मिलेगा फिर, राइट? यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब इसको जरा हम लोग मिटाते हैं, या मैं कट कर ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल, इसका मैं यूज करूँगा, सेव करता हूँ। एक क्वेश्चन और है, कोई आप में से कोई किसी ने पूछ दिया मान लीजिए कि डियर अंकित मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इनेक्शन इनेबल है, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के साथ साथ क्या इनेबल कर दूं, अगर मैं सेटर इंजेक्शन भी इनेबल कर दूं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, सेटर इंजेक्शन को या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को? तो ध्यान से समझिए, आपको सेटर इंजेक्शन कॉल करना है, कोई बात नहीं कॉल कीजिए, पहले एक और डिपेंडेंट बना लेते हैं जो डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपन चेंज कर देते हैं बीन आईडी, सबसे पहले डेट बीन टू, ठीक, और यहाँ चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, नेम इक्वल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स ईयर, और वैल्यू इक्वल्स लेट से 80, तो 1990 आएगा, राइट। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स मंथ, वैल्यू इक्वल्स लेट से फिर से मैं 3 रहने देता हूँ, ओके। तो क्या ये अप्रैल आना चाहिए? लेकिन जब ये बीन यूज होगा तब यस और नो? मैं सेटर इंजेक्शन इनेबल्ड करता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स डेट, डेट पर, इसी डेट पर तो करना है ना मुझे, मैसेज जनरेटर में जो डेट है इसी पर, क्या मैं इनेबल कर रहा हूँ, सेटर इंजेक्शन भी इनेबल कर रहा हूँ, और ये डेट मिटाता हूँ मैं, ये जो डेट अभी प्रिंट हो रहा है इसको हम लोग मिटा देते हैं, और हम लोग इसको वहाँ प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग एक काम करता हूँ मैं, इसको हटाइए, रिमूव कीजिए, और ये जो सेटर मेथड है, सेटर मेथड बनाना पड़ेगा तब तो सेटर मेथड कॉल होगा, राइट? यस और नो? तो यहाँ पर सेटर मेथड, ठीक है, सेटर मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड, थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड सेट डेट, डेट डेट, और दिस डॉट डेट इक्वल्स डेट, यस और नो? राइट, सेट हो गया, साउट कर देता हूँ, डेट को प्रिंट कर लेंगे, तो जो भी डेट की वैल्यू आएगी वो प्रिंट होके आ जाएगी, मिल जाएगी, राइट? और टू स्ट्रिंग मेथड में जो डेट और टाइम है मशीन का वो दिखा देता है। तो मैंने सेटर इंजेक्शन वाले में, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी वाले में ये जो सेटर इंजेक्शन मैं इसके थ्रू यूज करूँगा, किसका? प्रॉपर्टी नेम डेट, और रेफरेंस किसका दूंगा, रेफरेंस किसका दूंगा मैं? तो मैं रेफरेंस देना चाहूँगा डेट बिन टू को, डेट बिन टू को। तो क्या जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सेटर सेटर का यूज करके बनेगा? अगर सेटर मेथड का यूज करके बनेगा, सेटर इंजेक्शन का यूज करके बनेगा, तो क्या डेट में 1980 आना चाहिए, 1980 आना चाहिए, और मंथ अप्रैल आना चाहिए? और अगर कंस्ट्रक्टर से बनेगा, अगर कंस्ट्रक्टर मेथड से बनेगा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से बनेगा ऑब्जेक्ट, तो क्या आज का डेट आना चाहिए? यहाँ देखिए कॉर्नर में, यस और नो? तो आज का डेट आएगा तो कंस्ट्रक्टर, अगर आज का डेट नहीं आया, जो हमने सेट किया है 1980 और अप्रैल वो आया, तो इसका मतलब क्या? सेटर मेथड, सेटर इंजेक्शन, तो हमने दोनों उसी टारगेट क्लास पर कन्फिगर कर दिया है। रन करते हैं, ये लीजिए क्या आया, 1980 आया, देखिए कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, पर क्या 1980 आया? तो इससे ये साबित होता है, इससे क्या साबित होता है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन दोनों एक ही क्लास, टारगेट क्लास पर अगर आप इनेबल कर देंगे, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? सेटर इंजेक्शन को। क्यों? क्योंकि सेटर मेथड नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक मेथड कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट बनने के बाद। तो ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर,
तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो मतलब हम समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हुई, इस वाले कंस्ट्रक्टर की जब कॉलिंग हुई, यहाँ ध्यान से समझिए, तो क्या इस डेट में कौन सा प्रॉपर्टी था? इस डेट में था हमारा ये डेट, डेट बीन वाला, ये वाला। तो ये जो था इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया था, मतलब जो डेट आज का था वही वाला डेटा आता। तो ये अगर आज वाला डेटा आता तो वहाँ सेट हो जाता, राइट? सेट हो भी गया था, नो डाउट। लेकिन क्या मैंने बाद में जब कंस्ट्रक्टर चला और फिर सेटर मेथड कॉल हुआ, सेटर मेथड भी तो कॉल होता है, आईओसी कंटेनर प्रॉपर्टी से सेटर मेथड ही तो कॉल करता है, तो क्या प्रॉपर्टी लिखा हुआ था तो सेटर मेथड फिर कॉल हो गया? तो सेटर मेथड कॉल हुआ तो फिर से अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, जरा चेक कीजिए। सेटर मेथड में भी वही लिखा हुआ है, दिस डॉट डेट। तो ये जब अपडेट हो गया तो यहां ध्यान से समझिए, इसमें हमने कौन सा रेफरेंस दिया था? डेट बिन टू का। तो क्या डेट बिन टू में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, यस और नो? यस। तो 1983 लाजमी था आना वहां पर, बिल्कुल समझ गए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि प्रॉपर्टी आपने ऊपर लिखा है तो, अरे भाई लोग कट कर दिया यार, यहां मैंने इसको नीचे कर दिया। अरे भाई सिंपल सी चीज है कोर जावा की यार, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके बाद ना उसका नॉन स्टैटिक मेथड्स कॉल होगा, तो आपका जो सेटर इंजेक्शन है, जो सेटर मेथड को कॉल करेगा, वो तो नॉन स्टैटिक है, तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद सेटर मेथड कॉल होगा यार। सेव करो और लो चला लो आप, ये लो रन कर लो, लो रन कर लो भाई, लो 1980 आ गया कि नहीं आया? सिंपल बात है ना यार, यस और नो, राइट? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस डेट प्रॉपर्टी का वैल्यू ओवर रिडन हो जाएगा, यस और नो? यस, उसका डेट प्रॉपर्टी का वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा इस प्रॉपर्टी वाले टैग की वजह से, इस सेटर इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि सेटर मेथड बाद में कॉल होगा और वो अपडेट कर देगा। आई थिंक अब सब कुछ समझ में आया होगा कैसे चीज़ें काम करता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के साथ। तो जब भी कोई पूछे क्या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करें और सेटर इंजेक्शन भी ऑन कर दें, इनेबल कर दें, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? हमेशा कहिए सेटर इंजेक्शन को, इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, राइट? तो लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में हमारा वही था कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है इफ़ वी इनेबल बोथ, जब हम इनेबल कर देते हैं बोथ, दोनों सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को हमारे टारगेट क्लास पर। तो सेटर मेथड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सेटर मेथड हमेशा ऑब्जेक्ट बनने के बाद होता है और ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सब कुछ होगा, बट जब कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो सेटर मेथड कॉल होगा, तो उसका प्रॉपर्टी ओवर राइड हो जाएगा, मतलब उसका प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगा, राइट? समझ गए, आई होप समझ गए होंगे, एंड आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत वैल्यू ऐड करा होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ सही था, पढ़ाने का तरीका समझ में आया, स्पीड समझ में आया, सब कुछ सही था कि नहीं, यस और नो? और प्लीज़ इसको फॉलो करते रहिए, और स्प्रिंग बूट डेवलपर तो मैं आपको ऐसा बनाने वाला हूँ आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना ईजिली आप चीज़ों को समझेंगे, राइट? अभी आप समझ रहे होंगे आई थिंक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।